नमस्ते, जय हिंद, जय गोरखा। मेरा नाम मनीष राय है। आज मैं एक रिएक्शन वीडियो लेके आया हूँ। अभी जो फेसबुक में वायरल हो रहा है पाताल लोक एक वीडियो क्लिप, जिसमें हमारा गोरखा नेपाली कम्युनिटी को बहुत ही अपमानित शब्द प्रयोग किया गया है, हमारा ईमान पे ठेस पहुँचाया गया शब्द जो है प्रयोग किया गया है। मैं सारा नेपाली सारा गोरखाओं की तरफ से मैं उस पाखंडी औरत को मैं जवाब दे रहा हूँ। तेरा जैसा शकल वैसा अकल है, तेरे को समझ में नहीं था, तेरे को पता नहीं चलता क्या स्क्रिप्ट लिखते वक्त, स्क्रिप्ट पढ़ते वक्त कि ये स्क्रिप्ट से किसी कम्युनिटी को ठेस पहुंचता है या नहीं, तेरे को कुछ भी पता नहीं था। तेरा दिमाग नहीं है क्या? तेरा शकल तो है ही नहीं, तेरा दिमाग भी नहीं है क्या तेरा? देखने और सुनने में ऐसा लगता है कि तू हिंदू का ऊंची जात का है, लेकिन तू कौन सा हिंदू है भाई? कौन सा हिंदू का ग्रंथ में लिखा है कि किसी इंसान को, किसी जात को, किसी कम्युनिटी को नीचा दिखा के, उसको बेइज्जत करके, नाम खराब करके फिल्म बना के पैसा कमाने का? तेरा बाप दादा परदादा तेरे को यही सिखाया क्या? और दूसरी बात, ये तेरा फिल्म में ना अपमान करने के लिए, बेइज्जत करने के लिए गोरखा नेपाली मिला, दूसरा नहीं मिला तेरे को? तो अपने आप को क्या सोचती है और हमको तू क्या सोचती है? हाँ, तू हमको कुछ भी बोलेगा, कुछ भी करवाएगा, हाँ, हमारा इज्जत हमारा ईमान नहीं है क्या साला चूड़े? और तू दो चार पैसा कमाने के लिए ना, एक वक्त की रोटी कमाने के लिए ना, तू किसी भी धर्म किसी भी जात को तू दांव पे लगाएगा? अगर इससे भी नहीं हो तो तू अपना माँ को, अपना बहन को दूसरे का हवाला कर देगा क्या तू? हाँ, पैसा के लिए क्या तू इतना गिर गया है पैसा के लिए? तू अपने आप को क्या सोचती है? अभी मैं तेरा औकात बताता हूँ। तू है ना पिघला हुआ प्लास्टिक का नमक का डिब्बा जैसा है तू, ठीक है? तेरा नाक जो है ना अदरक जैसा है तेरा नाक, पता नहीं यार ये करेला जैसा चेहरा लेके तूने फिल्म में कैसा एंट्री मारा? ना जाने कितना प्रोड्यूसर डायरेक्टर, बाप का उम्र का प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने तेरे साथ होटल में टाइम बिताया होगा। पब्लिक सब जानता है भाई, पब्लिक सब जानता है, क्योंकि ना तू हीरोइन बनने का तो लायक है ही नहीं। रानू मंडल को आधा घंटा ब्यूटी पार्लर में डाल के निकालेगा ना, तेरे से बहुत अच्छा है वो, बहुत सुंदर है वो। राखी सावंत ना तेरे से हजार गुना ब्यूटीफुल है वो, ठीक है? हमारा नेपाली हमारा गोरखा लड़की लोग है ना, वो नेचुरल ब्यूटी है, ठीक है? कुछ मेकअप किए भी ना वो ऐसा ही ब्यूटीफुल है। हमारा नेपाली लड़की लोग, गोरखा लड़की लोग के सामने ना तू पैर का धूल जितना भी नहीं है, ठीक है? क्या समझती है अपने आपको साला चुड़ैल? अरे भाई, देश की जनता को सब पता है कि तू बुड्ढी हो गई, बुड्ढी। अभी कोई भी तेरे को फिल्म में नहीं लेगा, तू ऐसे तो तू बदसूरत तो यही है, अब बुड्ढी भी हो गई। अभी तू कुछ अपना बेचने के लिए भी तैयार होएगा ना, खरीदने वाला कोई नहीं रहेगा, तेरा गया जमाना अभी हो गया तेरा। अगर अभी तेरा कमाई धमाई नहीं है, है ना, पैसा का तेरे को इतना ही लालच है एक वक्त के रोटी के लिए ना, तो हम जो नेपाली गोरखा कम्युनिटी मिलके ना पाँच पाँच दस दस रुपये करके ना तेरे को देंगे, ठीक है? देंगे, लेकिन ऐसा वीडियो मत बना जिससे दूसरा कम्युनिटी को अपमान होता है, नाम खराब होता है, ऐसा वीडियो मत बना। चाहे तो हम तेरे को डोनेशन देंगे, भीख देंगे, पैसा कितना चाहिए तेरे को? अगर वीडियो बनाने का है ना तो एक भूत का फिल्म बना, हॉरर मूवी बना, और बिना मेकअप किए बिना तू ही तू भूत का रोल कर, वो सुपर हिट हो जाएगा, ठीक है? तेरा शकल भूत से कम नहीं है, तू ना सड़ा हुआ टमाटर है। अगर तू बिना मेकअप किए रात को बाहर निकलेगा ना, अगर चुड़ैल देखेगा चुड़ैल भी डर से भाग जाएगा तेरे से, ऐसा शकल है तेरा। अपने आप को क्या समझता है चुड़ैल की माँ? अब ना अब तेरा जो शकल है ना कोई भी मूवी में दिखाई देगा, भले वो माँ का रोल हो भले वो चुड़ैल का रोल हो ना, हम गोरखा नेपाली तेरा फिल्म बाइकट करेंगे, ठीक है? देखेंगे नहीं। वैसे भी मैं तो तेरा फिल्म तो कभी देखता नहीं, तो तू तो पसंद है ही नहीं मेरे को, तो पसंद बिल्कुल नहीं है। तू तो हीरो हीरोइन जैसा भी नहीं लगता मुझे तो। हम तो कैटरीना कैफ, जैकलिन फर्नांडिस का दिखता है, उसके सामने तू क्या है? तू कुछ भी नहीं है साला, सड़ा हुआ नींबू है तू, ठीक है? अब तो और बाइकट करेंगे तेरा फिल्म, देखेंगे नहीं। तो कोई भी फिल्म में रहेगा ना वो फिल्म हम बाइकट करेंगे। तू ना तू बनाते बनाते खराब हुआ टेढ़ा समोसा है तू, टेढ़ा समोसा है तू, ठीक है? भैंस का गोबर जैसा चेहरा है तेरा। तेरे को ना कितना भी गाली देगा, कितना भी तेरे को ना, उतना ही कम है, उतना ही कम है तेरा। तू यू डिजर्व इट,
ये लायक है तू गाली खाने का और गाली देने का, तू लायक है तू। तू ना औरत के नाम पे धब्बा है, क्या है तू? औरत के नाम पे धब्बा।